चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में बेल आइकन दबाइए। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। तो आज हम आपको सिखाएंगे कि एक सिंपल से स्मार्टफोन को एक नए स्मार्टफोन जैसा कन्वर्ट कैसे करते हैं। जैसे आप MI का यूज़ कर रहे हो, उसमें MIUI होता है। अगर आपको कलर OS यूज़ करना है ओप्पो वीवो जैसे, ओप्पो रियलमी जैसे, तो आप वैसे यूज़ कर सकते हैं, तो वो सिखाएंगे। तो आज मेरे पास एक सिंपल सा फ़ोन है एंड्रॉयड, तो मैं इसको गूगल पिक्सल एक्सपीरियंस यूज़ करूँगा जो मेरी फेवरेट कंपनी है गूगल का। तो आपको इसके लिए दो ऐप इंस्टॉल करने पड़ते हैं, ये ज़्यादा बड़े नहीं है। 12 MB का CPL लॉन्चर होता है और ये 12 MB का CPL लॉन्चर है और ये है पिक्सल क्यू आइकन पैक। आप आइकन पैक से आप किसी को भी चेंज कर सकते हैं और इन दोनों के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं आपको। इसके कारण आपको वॉलपेपर भी मिल जाता है। जैसे आइकन पैक से देखिए, मेरे पास पिक्सल ये स्टॉक एंड्रॉयड का आइकन पैक है और ये यहाँ बोल रहा है CPL इज़ नॉट सेट एज डिफ़ॉल्ट लॉन्चर। तो आइकन पैक वाला ऐप हम खोल लेते हैं। और यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं और इनके पास कस्टम आइकन्स हैं 13,575। तो यहाँ से आप 3 डॉट पर क्लिक करके वॉलपेपर से हम क्लिक कर देंगे और यहाँ हमें बहुत सारे वॉलपेपर मिल जाते हैं तो सब पिक्सल के हो। तो मैं अपना पसंद का कोई सिलेक्ट कर लेता हूँ, पिक्सल 4 वाला P4। और यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, मैं डाउनलोड नहीं करूँगा फिर भी अलाउ कर देते हैं। इसको मैंने होम स्क्रीन पे सेट कर लिया है। मैंने डिफ़ॉल्ट लॉन्चर अब तक सिलेक्ट नहीं किया है तो मैं इसको भी कर लेता हूँ। अगर आपको डिफ़ॉल्ट लॉन्चर सिलेक्ट करना नहीं आता तो आप कर सकते हैं। आपको ऐप्स में जाना है, CPL पे कनेक्ट करना है और यहाँ होम ऐप लिखा हुआ है। लिखता है होम ऐप लॉन्चर 3। तो यहाँ मैंने पिक्सल लॉन्चर डाउनलोड भी किया था पर मुझे CPL ज़्यादा अच्छा लगा। CPL में ऐसी बातें होती जो हमें ओरिजिनल पिक्सल जैसा लगता है। जैसे ये देखो इसकी सेटिंग और इसमें कोई हम जैसे ऐप खोलते हैं तो वो ऐप खोलने का एनिमेशन बड़ा अच्छा है, ऐसे खुलता है। तो इसमें अगर आपके कोई आइकन सेट नहीं हुआ अच्छे से तो आप उसको क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको क्लिक किया, मैं एडिट, ये देखिए ऐसे पिक्सल जैसा ही होता है, ये यहाँ से ग्रीन हो गया। और यहाँ हाइड फ्रॉम ऐप ड्रॉअर गेट मोर आइकन्स, तो हम यहाँ इसको क्लिक करेंगे। आप गैलरी से कोई फ़ोटो भी लगा सकते हैं आपकी और यहाँ से आप आइकन पैक। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, सो मैंने अभी CPL लॉन्चर इंस्टॉल कर लिया है और ये है इसका इंटरफेस। सेम पिक्सल एक्सपीरियंस जैसा है जैसे स्टॉक एंड्रॉयड गूगल पिक्सल होते हैं। तो अभी मैं इसके अंदर
आपको अभी तो मेरे पुराने वाले आइकन्स होते हैं वो आ रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ। तो मैं आपको अभी पिक्सल क्यू के आइकन पैक्स लगा के दिखाऊंगा। आप कोई भी आइकन पैक ले सकते हैं, कोई भी मोबाइल का, MIUI हो चाहे कलर OS। तो यहाँ आपको आइकन्स पे, सबसे पहले आपको थीम पे क्लिक करना है, बाद में आपको आइकन्स पे क्लिक करना है, फिर आपको सिलेक्ट करना है पिक्सल क्यू आइकन पैक। तो मैंने इस पे क्लिक कर दिया है, और आप यहाँ से आपका थीम ले सकते हैं, डार्क हो या लाइट हो, कोई भी ऑप्शन जो आपको पसंद। ये आप देख सकते हैं, ये चेंज हो गए हैं मेरे आइकन्स, और आप देख सकते हैं बिल्कुल स्टॉक एंड्रॉयड जैसा लग रहा है। और मुझे इस क्यू पिक्सल क्यू आइकन पैक से मुझे बहुत फ़ायदा होता है। जैसे अभी मैं इसको ओपन करता हूँ, सो मैंने ये देख सकते हैं आप, मुझे बहुत सारे वॉलपेपर्स मिलते हैं पूरे पिक्सल क्यू के जैसे। पिक्सल क्यू का मतलब ये होता है एंड्रॉयड 10, स्टॉक एंड्रॉयड 10 होता है ना वैसे। सो मैं यहाँ क्लिक करता हूँ होम पे, और यहाँ से आप अप्लाई पिक्सल क्यू आइकन पैक, यहाँ से आप कोई भी लॉन्चर सेलेक्ट कर सकते हैं, और हमें यहाँ लॉन्चर के ऑप्शन मिल जाएंगे अभी। सो हमारे लॉन्चर्स आ गए हैं, आप कोई भी लॉन्चर डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे पोको लॉन्चर, ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप पोको लॉन्चर भी प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, और नोवा लॉन्चर भी। तो आप इनमें से कोई भी लॉन्चर डाउनलोड कर सकते हैं, और आपको यहाँ वॉलपेपर्स मिल जाते हैं आइकन पैक्स के साथ। और इन कोई भी आइकन पैक्स ले लीजिए, आपको सब आइकन्स बड़े अच्छे मिलते हैं। और मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो आपको मात्र 2 ऐप इंस्टॉल करने हैं, पहला है पिक्सल क्यू आइकन पैक, दूसरा है CPL लॉन्चर। इन दोनों के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दिए हैं, वहाँ आप क्लिक करते ही डायरेक्ट आप इनकी डाउनलोड लिंक प्ले स्टोर पर पहुँच जाएंगे। सो आप मेरे चैनल, सब लोग उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक होंगे, और मैं भी ठीक हूँ। वैसे COVID-19 चल रहा है, स्टे होम बी सेफ। तो अगला वीडियो मैं किस कंटेंट पे बनाऊँ या किस टॉपिक पे बनाऊँ, वो भी आप मुझे बता दीजिए कमेंट में। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट, क्योंकि इसको बनाने में बहुत मेहनत लगती है। शेयर कीजिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आपके दोस्त देख सकते हैं, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए जिससे हमारे आने वाले नए वीडियो आपको मिले। थैंक यू।